नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एससी एक से एक बार आपके देख रहे हैं, लगातार वैकेंसी देती जा रही है। यहां पर अभी पिछला जो वैकेंसी आपका आया था एक्सरे टेक्नीशियन का, अब जो है चिकित्सा विभाग में, जैसा मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 11,000 के लमसम आपके पोस्ट अभी यूपी ट्रिपल एससी देगी, जिसमें से आपका चिकित्सा वाले विभाग में मैंने बताया था, तो दंत चिकित्सा विभाग से आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। तो जो लोग इसकी अहर्ता रखते हैं कि क्या इसकी अहर्ताएं हैं, क्या शैक्षिक योग्यता यहाँ पर पूछा गया है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये विशेष, एक प्रकार से बोल सकते हो कि विशेष वैकेंसी है, इसलिए कि यहाँ पे सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनके अकॉर्डिंग होगा वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, कब से फॉर्म फिल होगा। तो यहाँ पे फॉर्म जो है आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान रखिए कि जो फॉर्म फिलिंग है वो आपका ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और प्रारंभ होने की तिथि जो है 30/6/2023 से है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन के सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 20/7/2023 है, ठीक है। 20 जुलाई तक चलेगा और 30 तारीख से आपका ये क्या होगा, फॉर्म का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बाकी जो मेन है आपका विज्ञापन में जैसा लिखा जाता है वही है यूपी ट्रिपल एससी के, कि आपका पीईटी 2022 जो है ना उसी के आपके स्कोर कार्ड से यहां पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसी के बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो जो लोग पीईटी 2022 दिए होंगे और जो इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को धारण करते होंगे वही आपके अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ आपका वही है जो यूपी ट्रिपल एससी के नोटिफिकेशन में होता है। मेन आपके दिखा देते हैं, जो आपका सबसे जरूरी है वो है आपका पोस्ट, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेंगे। यहां पर आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा थोड़ा सा, हाँ अब क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो यहां आप देखिए कि यहाँ जो ग्रेड पे है आपकी वो 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। 9300 से लेकर 34800 का पे मैट्रिक्स है इसका। 106 आपका यूआर पोस्ट है। टोटल 264 पोस्ट हैं किसके, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में दंत स्वास्थ्य विज्ञानी डेंटल हाइजीनिस्ट सामान्य चयन के 264 हैं और बाकी आपके उसके विशेष चयन के जो है उसी में 24 पोस्ट हैं। तो टोटल 288 पोस्ट पर यह वैकेंसी है, ठीक है। तो जो लोग अहर्ता रखते हैं उनके लिए तो अच्छी खासी है, ठीक। अब हम आते हैं यहां पर कि क्या है उनके लिए अहर्ता और क्या आपका सर्टिफिकेट जो मेन है, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा इशू करने वाला होता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आपका इसी आपका एक तरह से फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। बहुत पुराना नहीं चलेगा, उसका जो आपका फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म के लास्ट में उसी फॉर्मेट पे आपका होना चाहिए। अगर इसी साल का है तो कोई इशू नहीं है, मतलब इसके लास्ट डेट से पहले का आपका होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। एज की बात करें तो एज आपका वही जो यूपी ट्रिपल एससी में होता है, 18 से 40 साल तक की आयु आपकी यहां पर मांगा गया है। अच्छा, और यहां पर हम बात करें कि क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अहर्ताएं क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश दंत स्वास्थ्य विज्ञानी एवं दंत मैकेनिक सेवा नियमावली 1993 के भाग 4 के नियम 8 के अनुसार सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से दंत स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा अवश्य प्राप्त कर लिया हो और उनका स्टेट, ये जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है, उनका स्टेट डेंटल काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होना भी आवश्यक है, ठीक है। जो डिप्लोमा हो डेंटल से या आपने बीडीएस किया हो, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, ठीक है, वो भी लोग अप्लाई ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उनका जो स्टेट डेंटल काउंसिल में उनका पंजीकरण होना जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है, आपके लिए सबसे ज्यादा। तो ये आपके पास अहर्ता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो बोला गया है कि आपको थोड़ा प्रिफरेंस मिलेगा, अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की सेवा किया है तब आपको मिलेगा कहीं ना कहीं प्रिफरेंस, या आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तब आपको प्रिफरेंस मिलेगा। एज आपको मैंने बता ही दिया कि 18 से 40 साल है। बाकी इसकी जो एक तरह से बोला जाए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, यह आपको बाद में बताया जाएगा। और यहां पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो पीईटी 2022 के अकॉर्डिंग होगी, स्कोर के बेसिस पर होगा, और 15 गुना जो वैकेंसी के 15 गुना बच्चे आपको बुलाए जाएंगे, ठीक है। मेंस में आपका जो होगा एग्जाम उसके लिए 15 गुना बच्चे वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाए जाएंगे। सिलेबस
और आपका एग्जाम पैटर्न वो बाद में आपको बताया जाएगा, अभी आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद से इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो ऑलमोस्ट हमें तो नहीं लगता इस ऐसे डिप्लोमा वाले जो हैं खासकर डेंटल में वो बहुत कम ही होते हैं, तो सबको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा जो लोग भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जो विशेष वैकेंसियाँ आती हैं उनमें खासकर यही होता है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ और नहीं है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, बाकी वही प्रमाण पत्र है आपके, जितने भी चाहे ओबीसी के हों, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, वो आपका सही होना चाहिए और फॉर्म के लास्ट डेट का पहले का होना चाहिए, और खासकर ईडब्ल्यूएस आपका रिसेंटली होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो लोग नहीं बनवाए हैं वो आपका यहाँ नीचे प्रारूप दिया गया है कि आपको कैसे बनवाना है, आप यहाँ से बनवा सकते हैं जो भी सर्टिफिकेट है। कोई दिक्कत कोई समस्या होती है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे ये समस्या है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। बाकी आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। पीटी 2022 से ये तीसरी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।